सीयूडी 2023 की आंसर की रिलीज हो गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अब आपके ऑब्जेक्शंस रेज करना सही क्वेश्चंस के लिए। हर क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 200 अमाउंट जो है वो फिक्स करा गया है, जो कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज कर दोगे तो उसके खिलाफ आपको मार्क्स मिल जाएगा। और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ जो एसोसिएटेड मार्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और एक एक मार्क्स के ऊपर आपकी जो एडमिशन है वो अफेक्ट हो रहे होंगे। सो वी वॉन्ट कि एक भी बच्चा किसी भी गलत क्वेश्चन की वजह से अपने एडमिशन में कोई भी असर ना लेकर आए। So, इसके लिए आप लोग का बच्चों एक गूगल फॉर्म है वो स्टार्ट किया जा रहा है, आज पूरी रात हम लोग इस पे एक्टिव रहेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चंस गलत हैं पर हर एक सब्जेक्ट के लिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंग्लिश, जीटी, आप लोग इस गूगल फॉर्म को फिल करिए, जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है उसको अपलोड करिए। बट प्लीज कोशिश करना कि आप सही तरीके से अपलोड करो ताकि जितना जल्दी हम आपके क्वेश्चंस को देख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप तक ये क्वेश्चंस पहुंच पाएंगे और सही तरीके से आप इन पर ऑब्जेक्शंस रेज कर पाओगे। सो मेक श्योर करिए कि आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए एंड कल हम लोग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, डरना नहीं, क्योंकि आई नो आंसर के आने के बाद डर बहुत लगता है, और चाहे जैसा भी स्कोर है आपका, यू डू नॉट हैव टू पैनिक, क्योंकि हर एक चीज का सोल्यूशन होने वाला है और हर एक स्कोर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप सही तरीके से एडमिशन प्रोसेस को अपना करते हैं। सबसे पहला काम ऑब्जेक्शन रेज करना, सो डू फिल द गूगल फॉर्म एज सून एज पॉसिबल एंड लेट अस मीट टुमारो विद द ऑब्जेक्शन एंड द आंसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक।